हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो स्पेशली ब्राइड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप पूरा ब्राइडल मेकअप किट बना सकते हैं अंडर 500 रुपीज़ में। सारे प्रोडक्ट्स मैंने बहुत ही अफोर्डेबल यूज़ किए हैं और साथ में मैं आपको फुल मेकअप दिखाऊंगी किस तरह से आप सेम प्रोडक्ट यूज़ करके ब्राइडल लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपनी वेडिंग में कर सकते हैं, रिसेप्शन में कर सकते हैं, किसी भी ओकेजन के लिए आप ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं, तो ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपकी शादी है और आप लोग अपना ब्राइडल किट बनाना चाहते हैं बट बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं बट बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। सो अगर आप अपना ब्राइडल किट बनाना चाहते हैं अंडर 500 रुपीज़ और साथ में अगर आप अपना पूरा मेकअप सीखना चाहते हैं किस तरह से आप ब्राइडल लुक क्रिएट कर सकते हैं अंडर 500 रुपीज़, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़ के लिए नायका की ब्राउ चिकअप और पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। सारी प्राइसेज मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं और ये वाला शेड थोड़ा सा डार्क है, तो अगर आपकी ब्राउज़ थोड़ी डार्क कलर की यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ब्राउज़ थोड़ी लाइट है तो आप लाइटर शेड यूज़ करें, और ब्राउज़ के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप पेंसिल ही यूज़ करें, बहुत ईजी होता है यूज़ करना। तो आपको पहले लाइटली इस तरह से फिल करना है अपनी ब्राउज़ को, और इस ब्राउ पेंसिल में स्पूली एंड है तो स्पूली ब्रश के साथ मैं प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी इस तरह से, तो इससे आपकी ब्राउज बहुत ज़्यादा नेचुरल हो जाती हैं। तो अच्छे से आप अप्लाई करें प्रोडक्ट को। अब नेक्स्ट मैंने जो आई शेडो पैलेट यूज़ की है उसी में से मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कौन सी पैलेट है, और उससे मैं लाइटली सेट करूंगी। तो आप कोई भी डार्क ब्राउन कलर का शेड ले सकते हैं, बट ध्यान रखें वो मैट शेड होना चाहिए, कोई भी आपको शिमर आई शेडो नहीं यूज़ करना। तो लाइटली मैं इस तरह से अपनी ब्राउज को सेट कर लूँगी। अब बेस के लिए मैंने जो कंसीलर यूज़ किया अपने फेस पे वही कंसीलर मैं एज अ बेस अप्लाई कर रही हूँ। तो आप चाहें आप आई शेडो प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला कंसीलर भी बहुत ही अफोर्डेबल है, और ब्रशेज़ जो मैंने यूज़ किए हैं वो भी बहुत ही अफोर्डेबल है, अंडर आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो आई मेकअप के लिए भी मैंने सेम ब्रशेज़ यूज़ किए हैं, मैं नीचे लिंक मैंशन कर दूँगी। तो अच्छे से मैं अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं सेट कर रही हूँ पाउडर के साथ। तो मैंने प्रेस पाउडर जो यूज़ किया उसी के साथ सेट कर रही हूँ मैं। आई मेकअप के लिए मैं ये वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है और बहुत ही अच्छा पे ऑफ है इसका। तो सबसे पहले पैलेट में से मैं ये वाला शेड लूँगी। तो आप हमेशा इस तरह के शेड से स्टार्ट करें एज योर ट्रांजिशन शेड। और ब्रश के लिए जैसे मैंने आपको कहा, मैंने जो ब्रशेज यूज़ किए अंडर 250 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, तो उसमें से जो थोड़ा फ्लफी ब्रश था उसके साथ मैं अप्लाई करूँगी इसको अपनी क्रीज में लाइटली। तो इस तरह से आपको बैक एंड फोर्थ करके ब्लेंड करना है शेड को। नाउ नेक्स्ट पैलेट में से मैं ये शिमर आई शेडो ले रही हूँ, और ये थोड़ा सा थिक पेंसिल ब्रश है उस सेट में, और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी ब्राउ बोन पे इस तरह से, अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए। अब आते हैं थोड़े डार्कर शेड में, तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ पैलेट में से। तो ये थोड़ा सा डार्क शेड है, और सेम ब्रश जो मैंने पहले यूज़ किया था उसके साथ रीअप्लाई करूंगी इसको अपनी क्रीज में। और फोकस करें आप शेड को आउटर कॉर्नर्स पे, तो जितना आप डार्क करना चाहते हैं लुक उतनी आप इंटेंसिटी डार्क कर सकते हैं बाय रीअप्लाइंग द आई शेडो। तो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ब्रशेस काफ़ी अच्छे हैं। अब नेक्स्ट अपने आउटर कॉर्नर्स को डार्क करने के लिए मैं ये थोड़ा डार्कर शेड में जा रही हूँ, और अपने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी, और हल्का सा मैं अपनी क्रीज में भी लेके जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैं इंटेंसिटी थोड़ी डार्क करती जा रही हूँ। तो अगेन जितना आपको डीपर शेड चाहिए आप रीअप्लाई करते जाएं शेड को, और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी तीनों शेड्स को। अब पैलेट में से मैं ये गोल्डन शिमर आई शेडो ले रही हूँ। अगेन शिमर आई शेडोज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ब्रश के साथ मैं इसको अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी इस तरह से। तो अगर आपको पे ऑफ ज़्यादा नहीं आ रहा तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी इस तरह से शिमर आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिंगर्स के साथ बहुत ही अच्छे से शिमर आई शेडो अप्लाई होते हैं। अब नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का ये मेटालिक शेड ले रही हूँ, ये शैम्पेन कलर है। तो अगेन आप देख सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल है। तो इसको मैं अपनी आईलिड्स पे इस तरह से अप्लाई करूंगी। आपको ध्यान रखना है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, बट आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अप्लाई करूंगी, और स्मॉल ब्रश के साथ मैं लाइटली इसको थोड़ा ब्लेंड करती जाऊंगी ताकि हार्श लाइन कोई ना विजिबल रहे। तो इस तरह से आप ब्लेंड करते जाएं, बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। अब सेम जो आउटर कॉर्नर्स पे मैंने शेड अप्लाई किया था उसको मैं रीअप्लाई कर लूंगी। तो आप आउटवर्ड इस तरह से ब्लेंड करें,
और ब्लेंडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आई शेडोज बहुत अच्छे हैं। अब लाइनर के लिए मैं दिखाना भूल गई थी, मैंने लैक्मे का आई लाइनर यूज़ किया है, अगेन बहुत ही अफोर्डेबल आई लाइनर है और मैं विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ, तो सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। ये लैक्मे का एब्सोल्यूट लाइनर है और मैं थोड़ा सा थिक विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। तो पहले आपको अपनी आइज पे क्लोज टू योर लैश लाइन लाइन ड्रॉ करनी है और फिर विंग के लिए आपको वाटर लाइन से स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस तरह से, और फिर आप दोनों लाइंस को इस तरह से नीचे देखें और फिर इस तरह से ज्वाइन कर लें, और जितना आप थिक रखना चाहते हैं उतना आप थिक कर सकते हैं लाइनर को। और उसके बाद मैं जो विंग है उसको इस तरह से फिल कर लूंगी लाइक दैट। और ये मैट लाइनर है तो बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका। अब सेम जो मैंने लिक्विड आई शेडो लिया था उसे लाइटली मैं विंग के नीचे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। फॉल्स लैशेज के लिए मैं ये वाली लैशेज यूज कर रही हूँ, आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। तो मैं पहले सेंटर पे स्टिक कर रही हूँ और फिर आप एंड पे एंड्स को इस तरह से ज्वाइन कर लें। और ध्यान रखिए जब भी आप लैश ग्लू अप्लाई करते हैं तो थोड़ा वेट करें ताकि लैश ग्लू थोड़ी सी ड्राई हो जाए, उसके बाद आप लैशेज अप्लाई करें, नहीं तो वो स्टिक नहीं होंगी अच्छे से। मैंने लुक में काजल नहीं अप्लाई किया, बट आप अपना ब्राइडल किट में काजल रख सकते हैं, ये वाला लैक्मे का आइकॉनिक काजल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेस। सबसे पहले प्राइमर के लिए मैं इनसाइड का प्राइमर यूज कर रही हूँ, ये लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर है और मॉइस्चराइज भी कर देगा आपके फेस को। तो आपको प्राइमर अप्लाई करना है सबसे पहले, और प्राइमर से पहले आपको अपना स्किन केयर रूटीन करना जरूरी है। तो आप मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें और सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, उसके बाद आप प्राइमर अप्लाई करें। तो प्राइमर से आपके जो पोर्स होंगे बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे और आपकी जो फाउंडेशन होती है वो केकी नहीं लगती। तो मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी प्राइमर। अब फाउंडेशन के लिए मैं मिस क्लेयर की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, अगेन आप देख सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल है। मेरा शेड जो है वो है बेज, तो मैंने डॉट्स में पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया था। अब स्पंज में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अमेजोन पे स्पंजेस देख सकते हैं, बट डी ब्यूटी इंडिया के स्पंजेस बहुत अच्छे हैं और अंडर आपको 500 रुपीज में मिल जाएंगे, मैंने ट्राई किए हैं तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। अब मैंने डॉट्स इसलिए अप्लाई किए थे ताकि मैं एक्स्ट्रा फाउंडेशन ना अप्लाई करूं। तो ये लाइट टू मीडियम कवरेज है, अगर आपको एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए तो आप सेकेंड लेयर अप्लाई करें, अगर आपको केकी नहीं करना फाउंडेशन को तो आप एक ही लेयर रखें। अब ये वाला सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैंने जो किट मंगवाया था ब्रशेस का, अब इसके साथ मैं लाइटली और ब्लेंड करती जाऊंगी अपनी फाउंडेशन को अच्छे से। अब कंसीलर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल है और इसी को मैंने एज अ बेस यूज़ किया था अपने आईज़ पे। तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने फेस को, तो मैं सेंटर ऑफ फेस पे अप्लाई करूँगी। तो आपको पहले अंडर आईज़ पे अप्लाई करना है, नोज़ पे अप्लाई कर सकते हैं आप, माउथ की साइड पे अप्लाई कर लें, थोड़ा सा आप फोरहेड पे अप्लाई करें इस तरह से। अब डैम स्पंज के साथ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, अगेन बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है कंसीलर की, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल भी क्रीज नहीं होता। तो स्पेशली अगर आप ब्राइडल लुक के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कंसीलर है। तो मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। अब ध्यान आपको ये रखना, अगर कंसीलर आपका ब्लेंड नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा स्पंज पे सेटिंग्स पे या फिर रोज़ वाटर स्प्रे कर सकते हैं, उससे आपका कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा सेंटर ऑफ फेस आपका हाईलाइटेड लगता है अगर आप लाइटर कंसीलर यूज़ करते हैं। अब सेट करने के लिए अपने मेकअप को मैं लैक्मे का प्रेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ब्रश के लिए मैंने ये वाला जो सेट आपको दिखाया है उसमें से ये वाला टेपर्ड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और मैं अपने अंडर आइज़ को सेट करूँगी इससे इस तरह से, और सेम ब्रश के साथ मैं पूरे फेस को भी सेट कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा पाउडर है और ज़्यादा केकी नहीं करेगा आपके फेस को। तो इस तरह से अच्छे से आपको अपने मेकअप को सेट करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी फाउंडेशन केकी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सेट ना करें अगर आपका फेस ड्राई है, और ड्राई स्किन वाले हमेशा वो वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो हाइड्रेटिंग हो। तो आपको अच्छे से अपने पूरे फेस को सेट करना है। ब्रॉन्जर ब्लश के लिए मैं सिवाना की ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ, अगेन आपको अंडर 500 में मिल रही है। और सबसे पहले मैं कॉन्टूर करने के लिए वाला शेड लूँगी, या फिर आप ब्रॉन्जर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश के लिए मैं ये वाला एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ किट में से, और मैं अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई करूँगी। तो ये एंगल्ड है तो बहुत अच्छे से ब्रॉन्जअप कर देगा, और अगर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा अप्लाई करना है तो बहुत ही अच्छा है। तो आप डैब डैब करके अप्लाई करें इस तरह से, तो आप देख सकते हैं शेड भी बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्किन कलर।
तो इस तरह से मैं अप्लाई करूँगी लाइटली। आपको अपना फेस थोड़ा सा चिजल दिखाने के लिए अप्लाई करना होता है। हल्का सा मैं नोज़ के साइड पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर अपना खुद मेकअप कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता, तो इस तरह से आप क्विकली कर सकते हैं। और फोरहेड के इस तरह से अप्लाई कर लूँगी, फोरहेड के साइड पे। नाउ ब्लश के लिए सेम पैलेट में से मैं ये वाला ब्लश यूज़ कर रही हूँ, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी सेट में अलग सा ब्रश है, उससे मैं अप्लाई करूँगी। तो लाइटली आपको डैप करना है, क्योंकि ब्रशेस थोड़े से डेंस हैं तो आप फ्लफी नहीं हैं, तो आप इस तरह से डैप डैप करके भी अप्लाई कर सकते हैं डैबिंग मोशन में। तो इस तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी। तो आपको अपने एप्पल्स पे अप्लाई करना है, और अपवर्ड्स आप ब्लेंड करें हमेशा ब्लश को ब्रॉन्जर के साथ, तो काफ़ी ब्लेंडेड लुक आती है। अब हाइलाइटिंग करने के लिए मैं ये वाला हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, पाउडर हाइलाइटर है। और जो पहले मैंने ब्रश यूज़ किया था सेट करने के लिए, उसी के साथ मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे। नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ लाइटली, और जहाँ पे आपने ब्लश अप्लाई किया होता है उसके थोड़ी सी ऊपर आपको अप्लाई करना होता है। तो काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब लिप लाइनर के लिए मैंने एसेंस का लाइनर यूज़ किया है, तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। आप कोई भी डीपर कलर लाइनर का यूज़ कर सकते हैं ब्राइडल किट के लिए। तो अगर आप अलग अलग लिपस्टिक यूज़ करें तो अलग अलग शेड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का शेड अप्लाई कर रही हूँ रेड लिपस्टिक के साथ, क्योंकि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है दोनों शेड। तो आप लिप लाइनर ज़रूर अप्लाई करें, इससे आपकी लिपस्टिक ब्लीड आउट नहीं होती। लिपस्टिक के लिए मैं मिस क्लेयर की दो शेड यूज़ कर रही हूँ, ये वाले बहुत ही अच्छे कलर्स हैं और बहुत ही इनएक्सपेंसिव हैं। तो पहले मैं थोड़ा जो डार्कर शेड है वो अप्लाई करूँगी, और ये सॉफ्ट मैट लिप शेड्स हैं तो बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग नहीं है और आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेंगी। तो पहले मैं जो डार्कर शेड यूज़ किया है उसको पहले अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद जो मैंने लाइटर शेड था उसको सिर्फ सेंटर पे अप्लाई कर रही हूँ लाइटली। तो थोड़ा सा डिफरेंट ऑम्ब्रे लुक आ जाएगा, बट बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है दोनों शेड्स की। और ब्राइड्स के लिए आपको रेड शेड रखना बहुत ज़रूरी है अपने किट में। सेट करने के लिए अपने फेस को मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का, अगेन बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। तो अच्छे से सेट करें अपना मेकअप। अब पैलेट में से मैं थोड़ा सा डार्कर शेड ले रही हूँ, और पेंसिल ब्रश के साथ ही जो इस सेट में आता है उसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे इस तरह से, और आपको बैक एंड फोर्थ करके अच्छे से ब्लेंड करना है। अब नेक्स्ट अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं ये शिमा आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और सेम ब्रश के साथ आप ब्रश को क्लीन कर सकते हैं किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर। अपने इनर कॉर्नर्स पे इस तरह से अप्लाई करूंगी हाईलाइट करने के लिए। अब मैं सेम स्विस ब्यूटी का जो मैंने लिक्विड आई शेडो यूज़ किया था उसको यूज़ कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करने के लिए, एक्स्ट्रा हाईलाइट करने के लिए। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेड हैं, तो अगर आप अलग अलग कलर की ड्रेसेस पहन रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। मस्कारा के लिए मैं लैक्मे का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, अगेन बहुत ही अफोर्डेबल है और पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं इसको अप्लाई करूंगी अच्छे से अपनी नेचुरल लैशेस पे, ताकि मेरी नेचुरल लैशेस फॉल्स लैशेस के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, और गैप कोई भी हो तो वो विजिबल ना रहे। सो गाइज, देखा आपने अंडर 500 रुपीज़ में आप कितने अच्छे से अपना ब्राइडल किट बना सकते हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो अफोर्डेबल हों बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हों, तो ज़रूर ट्राई करके देखें सारे प्रोडक्ट्स। मैं सारे लिंक्स नीचे मैंशन कर दूंगी, और आप सेम प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बहुत डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लॉलेस लुक है, ज़रूर रिक्रिएट करके देखें। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी कि नहीं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।